सोनू सूद लॉकडाउन में लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने न सिर्फ दुख की इस घड़ी में लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करवाई, बल्कि यहां वहां फंसे लोगों को बस के माध्यम से सुरक्षित उनके घर तक भी पहुंचाया। सोनू ने लॉकडाउन के इस दौरान कई ऐसी मदद की है जिसके बाद लोग उन्हें असल जिंदगी का हीरो भी बोल रहे हैं। लेकिन सोनू की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा भी है जिसने दोस्ती की एक अलग ही मिसाल पेश की थी। जी हां, एक ऐसा किस्सा जिसे शायद ही लोग जानते होंगे। दरअसल सोनू सूद सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब छाए हुए हैं और इसी बीच उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नजर आया है जिसमें सोनू और उनके एक दोस्त का बड़ा ही प्यारा सा किस्सा शेयर किया गया है। मेधावनी मोहन नाम के एक फेसबुक अकाउंट से सोनू सूद से जुड़ा ये किस्सा शेयर किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने साल 2015 की एक पुरानी घटना का जिक्र किया है जब सोनू सूद एक इवेंट के लिए झांसी जाने वाले थे। इस पोस्ट में बताया गया है कि किस तरह इवेंट से जुड़े सभी लोग और मीडिया उनके इंतजार में थी और तभी जिस होटल में वो आने वाले थे वहाँ एक शख्स जिसका नाम संजय बताया गया है वो भी आकर बैठा था। वो शख्स काफी साधारण से कपड़ों में था। वो काफी परेशान और बार बार गमछे से अपना पसीना पोंछ रहा था। पूछने पर उस शख्स ने बताया कि वो सोनू सूद का बैचमेट था। उस शख्स ने कहा कि सोनू पंजाब के रहने वाले हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए नागपुर आए थे। वहीं उनकी दोस्ती हुई और वो रूममेट से अच्छे दोस्त बन गए थे। उनका खाना पीना, घूमना फिरना साथ हुआ करता था। हालांकि उस शख्स ने नाउमीद होते हुए ये भी कहा था कि पहचानेगा तो ठीक वरना वापस चला जाऊंगा। दरअसल इसके पीछे वजह ये बताई गई कि कॉलेज टाइम में उनका झगड़ा हो गया था और उसके बाद वो रूममेट नहीं रहे थे। लेकिन जब सोनू की गाड़ी उस होटल तक पहुंची थी तो वो शख्स भी उनकी कार तक पहुंच गया। उस शख्स ने झिझकते हुए धीमी आवाज में सोनू का नाम लिया और थोड़ा पहले ही ठहर गया। इसके बाद सोनू की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, उनका चेहरा उसे देखकर चमक उठा। वो उनकी तरफ दौड़े और सोनू ने उन्हें दौड़कर अपने गले से लगा लिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मीडिया के कैमरों के आगे बड़े बड़े स्टार्स दूसरों से मिलने से कतराते हैं। लेकिन सोनू ने तो दोस्ती की मिसाल ऐसी पेश की कि वहाँ मौजूद हर शख्स उनका दीवाना बनकर रह गया। और सोनू आज भी अपनी दरिया दिली से लोगों की मदद से न जाने कितनी दुआएं और प्यार पा रहे हैं।